Hey guys, my name is Prajit and you're watching PGS Nation. Welcome to a brand new video. So, सबसे पहले तो ये मेरी accommodation है पीछे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ and यहाँ पे मतलब Cardiff University की पास building है, तो मैं आपको आज थोड़ा vlog में दिखा भी दूंगा सब कुछ कि कैसा यहाँ पे UK में सारा scene है. And other than that एक नई announcement भी है, मतलब एक नई update भी है जो मुझे मैं मतलब next video में आपको बता दूंगा. आज मैंने कहा थोड़ा normal vlog type बना लेता हूँ और उसके बाद एक छोटी सी अपडेट है जो मैं अपनी वीडियोज में देने वाला हूँ. थोड़ा टफ होगा वो मेरे लिए वो डिसीजन लेना कि अचानक से, बट या इन लाइफ ऐसे मोमेंट्स जब आपके पास आपके होते हैं, टफ मोमेंट्स होते हैं आपके लाइफ में जब आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं. सो अगले वीडियो में वो बताऊंगा आपको जो भी सीन है. बाकी चलो आज तो बढ़िया दिन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. सो व्लॉग शूट करूंगा, दिखाऊंगा आपको थोड़ा बहुत यूके का कि जहां मैं रह रहा हूं वहां पे कैसे एरिया है, कैसा है. सो लेट्स सी द व्लॉग. सो घर के अकोमोडेशन से निकलते हैं, सो यहां पे ट्रेन स्टेशन है सामने से, मतलब मैं ट्रेन कैच कर सकता हूँ बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से अराउंड 20 मिनट्स दूर है ट्रेन पे. सो मुझे जब भी जाना होगा ट्रेन से जाना होगा. सो इट इज लाइक 20 मिनट्स अवे. ट्री फॉरेस्ट स्टेशन है नाम का, 20 मिनट्स अवे जो यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी. एंड ये है जहाँ मैं अभी हूँ, ये आप देख सकते हो ये पार्किंग लॉट है यहाँ का हमारी अकोमोडेशन के. लाइक ये 2-3 मिनट ही दूर है, वॉकिंग पे है. एंड उसके अलावा बाकी अभी जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके जो साथ वाली बिल्डिंग है इसके पीछे कार्डिफ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बड़ी फेमस. तो कार्डिफ यूनिवर्सिटी इसकी बिल्डिंग है और उसके अलावा वो आप देख सकते हो वहाँ पे क्लॉक टावर है. एक मिनट कहाँ दिख रहा है, हाँ वो छोटा सा दिख रहा होगा, वीडियो ढंग से दिख नहीं रहा होगा. वहाँ पे क्लॉक टावर है एंड यहाँ से हम जो बता दिए मैंने ट्रेन कैच करते हैं और यही सारे सीन है. बाकी सिटी सेंटर चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा सीन है. सो ये आप देख सकते हो वॉक करते हुए ऐसा थोड़ा सा एरिया जिस एरिया में मैं रहता हूँ. यहाँ पे ऑलमोस्ट ज्यादा तो स्टूडेंट्स ही रहते हैं, पूरे स्टूडेंट अकोमोडेशन है. यहाँ पे देखो लेन बनी हुई है साइकिल के लिए, सो यहाँ से सिर्फ स्पेसिफिकली साइकिल ही नहीं. सो ये अभी जहाँ पे मैं आया हूँ मैं अपने अकोमोडेशन से लाइक 8-9 मिनट की दूर आया, और यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क है, सुंदर पार्क है. यहाँ पे टेलीफोन बूथ लगा हुआ है, किसी को भी यहाँ पे बात करनी हो. पीछे सारा स्टूडेंट अकोमोडेशन का एरिया, वहाँ पे कार्डिफ यूनिवर्सिटीज की बिल्डिंग, ट्रेन स्टफ लाइक है वहाँ पे, वो आपको दिख रहा होगा पीछे ये. हाँ, सोशल रेस्टोरेंट है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हैं यहाँ पे. और उसके अलावा जो मेन इनका सेंट्रल कार्डिफ है, सो ये ब्रिज है जिसके अंडर से हमें निकलना होता है सिटी सेंटर जाने के लिए. इस ब्रिज का नाम है सेंट एंड्रयूज प्लेस. यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्सी वगैरह चल रही है, तो ये कैमरा कमजोर है. हाँ, अब साफ हुआ. ये भी ये देखो यहाँ पे साइकिल के लिए इन्होंने डिफरेंट लेन बनाई हुई है. और वो देखो वैसे साइकिल वाला बाहर चल रहा है, वैसे अलाउड नहीं होता, बट ठीक है आप वो चला रहा है. तो उसके अलावा ये आप सो ये यहाँ के पोस्ट बॉक्स यहाँ पे, जैसे जब मैं फर्स्ट आया था जब मुझे डे 2 का कोविड टेस्ट लेना था, सो यहीं पे मैंने अपना पोस्ट किया था सारा कोविड टेस्ट रिजल्ट्स वगैरह. और मेरे पास 2 दिन में रिजल्ट आके थे, होपफुली रिजल्ट्स ठीक थे, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बाकी ये था सेंट एंड्रयूज क्रिस पोस्ट बॉक्स है यहाँ पे. और जस्ट मेरे सामने है क्राउन प्लेस, ये यहाँ का मतलब बहुत ज्यादा फेमस होटल है, काफी एक्सपेंसिव होटल है जहाँ तक मैंने देखा है. और सामने वो देखो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है. आज जैसे मौसम काफी बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, वरना वैसे तो बारिश ही होती रहती है यहाँ पे, निकल ही नहीं पाते बंदे बैठ के. और कंस्ट्रक्शन मतलब लगता है खत्म हो गया है, सो हम आगे जा सकते हैं. यही सारा सीन है यार यहाँ का. सिटी सेंटर जाएंगे, वहाँ थोड़ी बहुत मतलब है मॉल्स टाइप है, शॉप्स टाइप है, मैंने तुझे व्लॉग में भी दिखा दूँ. सो बढ़िया है यहाँ पे, मतलब ये है यहाँ पे एक तो यहाँ की स्पेशलिटी मैंने एक चीज देख ली है कि यहाँ पे हर वॉल पे कोई ना कोई पेंटिंग बनी हुई है. सो यहाँ पे पीछे कार्डिफ सिटी का मेन कैंप कैसल है, सामने सिटी सेंटर है, सिटी रोड है, वहाँ पे मॉल्स हैं, बट अभी वो क्लोज है तो वहाँ जाने का मुझे फायदा नहीं लग रहा. और उसके अलावा यहाँ पे इनका मेन जो है, यहाँ पे जो स्टैंड्स लगे हुए हैं, ये इनका मेन बस स्टेशन है यहाँ पे. और मतलब सारी बसेस जो है वो यहीं से लेके जाती हैं. एंड बढ़िया है यहाँ पे, मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे रोड क्रॉस भी करनी है तो उसके लिए साइड में बटन्स हैं, तो जैसे बटन दबेगा तभी वो लाइट ग्रीन होगी, गाड़ियाँ अपने आप रुक जाएंगी, देन वी कैन मूव अनलेस एंड अंटिल वहाँ पे बटन हो या ना. मोस्ट ऑफ द जगहों पे तो है. यहाँ पे आपको मेरा पीछे बैक कैमरा थोड़ा सा ब्लरी इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइक हर 2 मिनट में बारिश शुरू हो जाती है. अभी भी लाइक बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, वीडियो में दिख नहीं रही होगी, बट या इसी की वजह से मुझे वापस जाना पड़ रहा है. बट मैंने यहाँ पे एक चीज देखी है, इंडिया और यूके में क्या फर्क है. अगर मैं इंडिया में कहीं बाहर जाके ब्लॉग करता हूँ ना, सो आई कांट ब्लॉग लाइक दिस बिकॉज लोग देखते हैं कि ये हो क्या रहे हैं यहाँ पे. किसी को मतलब नहीं है कि मैं जो भी कर रहा हूँ आई कैन डू,
और मतलब यहाँ पे लोग ध्यान से नहीं देखते, तो उससे क्या एम्बैरेसमेंट फैक्टर जो है यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो जाता है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कहाँ पोस्ट ऑफिस है, कहाँ ट्रेन स्टेशन है, वहां निकल के अकोमोडेशन से थोड़ा पार्क है, अंडर ब्रिज, बस स्टेशन, एवरीथिंग। सो ये था लाइक अ लिटिल ब्रीफ अबाउट कार्डिफ और समथिंग, जहाँ पे मैं जिस अकोमोडेशन में मैं रह रहा हूँ। बट आई डोंट थिंक अब मैं ज्यादा टाइम के लिए रहने वाला हूँ। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वहाँ पे सेंट एंड्रूज हाउस है सामने, वहाँ पे सेंट एंड्रूज हाउस है, क्राउन प्लेस के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव होटल। बट ये एरिया ऐसा कि मोस्ट ऑफ द लाइक स्टूडेंट्स अकोमोडेशन के लिए ही है। ओह, मैंने गलत रोड क्रॉस कर ली, गाड़ी जस्ट मेरे पास से होके गई है, व्लॉग बना रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज का। यार ये व्यू देखो कितना बढ़िया, सामने कौन हाउस है, ग्लेनडोवर हाउस है यहाँ पे, ये सामने यहाँ का मतलब ये भी एक काफी ज्यादा फेमस वो है। बाकी लुक एट द व्यू। सो माई प्लान वॉज टू गो टू सिटी सेंटर, और मैंने सोचा था सिटी सेंटर भी दिखाऊंगा, बट यहाँ पे ये है कि बूंदाबांदी काफी ज्यादा तेज स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पास अम्ब्रेला नहीं, अम्ब्रेला मेरे अकोमोडेशन में पड़ी है, और ये है कि मुझे वापस जाना पड़ रहा है उसकी वजह से। कोई नहीं, लेकिन मैंने फिर भी इतना बहुत दिखा दिया, बस एक सिटी सेंटर ही रहेगी थी जगह कवर करने के लिए। सिटी सेंटर इज लाइक ओके ओके, जहाँ पे सारे मॉल्स वगैरह शॉप्स वगैरह होती हैं, और उससे ज्यादा मतलब कार्डिफ सिटी इज लाइक क्वाइट स्मॉल एंड कोजी सिटी है, वाइब्रेंट सिटी है, यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। बट ये की सिटी छोटी है, मेन ये यार मैंने पूरे यूके में देखी, यूके इज अ स्मॉल कंट्री बट इट इज ब्यूटीफुल, यूके इज रियली ब्यूटीफुल। बट यही था यूके के बारे में, यह था थोड़ा सा कार्डिफ के बारे में ब्रीफ। मैंने सोचा आज बाहर जा रहा हूँ कुछ सामान वगैरह लेने, तो अच्छा चलो तैयार भी हो, आप देख सकते हो जैसे सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा था ब्लॉग वगैरह भी बना लूंगा। सो यही सारा यूके का सीन है। सो यही ब्लॉग था, मैंने कहा ब्लॉग बना लेते हैं यूके का, अच्छा सा थोड़ा सा यूके के बारे में दिखाते हैं। अब ये मेरे पास से होके गया, बट ही डज नॉट इवन लुक की मतलब मेरे को वीडियो बंद करनी पड़ी 2 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फैक्टर आता है। बट वो मेरे पास से होके अभी गया, और मतलब उसने देखा भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है। सो यही आज की वीडियो थी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट दूंगा, इट्स एन इंपॉर्टेंट अपडेट, यू माइट गाइस बी शॉक्ड, जितने भी लोग देखते हैं थोड़े बहुत, बट इट इज व्हाट इट इज। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय टुडेज वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, पीस।